आज के दिन हम बात कर रहे हैं BHEL की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 3% के ऊपर का अपसाइड के साथ हमको इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं कि एक बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक ने 148 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, 120 से रिजेक्शन आई थी, 135 तक के अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद ये जो लो था उसको नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता 120 के नीचे तो यहाँ बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती। रिजेक्शन लेने का हम देख सकते हैं इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दिया है। अब हमको यहाँ से बड़ी तेज़ी नज़र आ सकते हैं। ये जो 148 का हाई है उसको आने वाले 2 से 4 हफ्ते में इसको ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। तो अब इसका 134 तक का जंप इसमें आने वाले दिन में तो पहला टारगेट रहेगा 134 का लेवल, तो ये पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट देगा, 134 को ब्रेकआउट देगा, तो फिर हमको इजीली इसमें बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। 148 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 134 के ऊपर निकल गया, 134-135 के ऊपर, तो ये हमारा कन्फर्म रहेगा कि अब यहाँ से बड़ी तेज़ी है इसमें आने वाली है। BHEL बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। जब तक स्टॉक 120 के ऊपर है तब तक इसमें अपसाइड के ही चांस नज़र आ रहे हैं।